अजय देवगन का घोस्ट राइडर मोमेंट हो या फिर संजय दत्त का कॉम्बैट एक्शन, भुज में सीटी मार मोमेंट्स की भरमार है। डायरेक्टर अभिषेक दुधैया ने स्क्रीन पर एक ग्रैंड शो तो बिल्कुल खड़ा कर दिया है, लेकिन क्या ये फिल्म आपके अंदर के सिनेमा फैन को भी उतना ही अपील कर पाएगी जितना आपके अंदर के देशभक्त को करती है? ये एक मुश्किल सवाल है। अगर आप फूल और कांटे और दिल जले के टाइम से अजय देवगन मोमेंट्स को चेरिश करते आए हैं, तो फिर ये फिल्म आपके खून को भरपूर उबाल देगी। भुज कहानी है 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर की, जब इंडिया ने ईस्टर्न पाकिस्तान को पाकिस्तान फोर्सेस से फ्री करा के बांग्लादेश बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस पूरे एक्शन का सेंटर था ईस्टर्न इंडिया, जहां से इंडियन फोर्सेस का ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तान ने इंडिया के वेस्टर्न साइड पर प्लान किया ऑपरेशन चंगेज खान और भुज एयरबेस के रनवे को उड़ा दिया। मिशन था कच्छ को कैप्चर करना। भुज एयरबेस के मैन इंचार्ज स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्निक ने लोकल गांव की 300 औरतों के साथ मिलकर उस रनवे को दोबारा तैयार करवा दिया, ताकि वहां से इंडियन फाइटर जेट्स उड़ान भर सके और इस वॉर का जो रिजल्ट है वो इंडिया के फेवर में हो। सबसे पहले बात करते हैं दिक्कतों की। भुज में 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के हाईलाइट इवेंट्स को दिखाने में इतना फोकस खर्च हो गया कि स्टोरी का जो मेन मुद्दा था, यानी भुज एयरबेस पर अटैक और औरतों की हेल्प से उसे रिपेयर करना, उसे दिखाने का पूरा स्पेस ही नहीं बचा। फैक्ट्स की बात करें तो बहुत सारी गलतियां हैं, जैसे कि रनवे को रिपेयर करने में 72 घंटे का समय लगा था, लेकिन फिल्म इसे 18 घंटे का बताती है। फिल्म का टारगेट यही लगता है कि 90 स्टाइल में जैसे शायरी के तरीके से डायलॉग बोले जाते थे, उस तरीके से डायलॉग बोले जाएं और भरपूर माहौल बने बस। भले ही फिल्म में गांव के जो घर हैं वो हॉलीडे होम्स जैसे लगते रहें, एक इंपॉर्टेंट सीन में गांव की औरतों को हेल्प के लिए कन्विंस करने गए अजय देवगन उन्हें कविता सुनाकर मोटिवेट कर रहे हैं। भुज वो फिल्म है जो प्रिटेंड भी नहीं करती कि उसे फैक्ट्स या रियलिटी से कुछ लेना देना है, सिवाय टाइटल में भुज नाम इस्तेमाल करने के। ये ऐसी फिल्म है जिसका टारगेट बस थिएटर में देशभक्ति के धमाकेदार नारे लगवाना लगता है, जो कि ये अच्छे से करती भी अगर ये हॉटस्टार नहीं थिएटर में रिलीज होती। फिल्म देखते हुए ऐसा भी लगा कि शायद इसे दोबारा एडिट किया गया है और कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स मिसिंग लग रहे हैं। फिल्म में गाने ना के बराबर हैं, जो हैं वो केवल 2-4 लाइन भर हैं, और बहुत शुक्र की बात है कि इस देशभक्ति फिल्म में नोरा फतेही का डांस नंबर नहीं है। अजय देवगन ने विजय कार्णिक के रोल में जमना ही था, क्योंकि वो वर्दी वाले कैरेक्टर्स में खराब भला कब लगे हैं। रणछोड़दास पगी एक रॉ एजेंट है जो रेत में जूतों के निशान देखकर बता देता है कि इंडियन सोल्जर गुजरा है या पाकिस्तानी। इस कैरेक्टर में संजय दत्त बहुत मजेदार लगे हैं और क्लाइमेक्स में उनका एक झन्नाटेदार सा कॉम्बैट सीक्वेंस भी है। फाइटर पायलट विक्रम सिंह के रोल में एमी विर्क का काम सॉलिड है और उन्हें और ज्यादा प्रोजेक्ट में देखने का इंतजार रहेगा। नोरा फतेही का कैरेक्टर हिना रहमान मजेदार है। नोरा को बहुत बढ़िया एक्शन करने को मिला है, जिसे देखकर आपको मजा आएगा। औरतों की लीडर के रोल में सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर सुंदरबेन बहुत फंक्शनल दिखाया गया है और सोनाक्षी सिन्हा इसमें ठीक ठाक ही लगती हैं। शरद केलकर को अजय देवगन ने पहले तानाजी में शिवाजी के रोल में और अब आरके नायर के रोल में दो बहुत बेहतरीन मौके दिए हैं, जिन्हें शरद ने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दिया और बेहतरीन परफॉर्म किया है। सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर सुंदरबेन बहुत ही फंक्शनल तरीके से लिखा गया है, हालांकि उनका भी एक बड़ा सा देशभक्ति वाला मोमेंट है। फिल्म की राइटिंग वगैरह की बात नहीं करते हैं, ठीक है जाने देते हैं, छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भुज देशभक्ति की एक चाशनी है, जिसमें दमदार एक्टर्स को डुबा के सीना चौड़ा करने वाले मोमेंट्स क्रिएट किए गए हैं। इसे एक पूरी फिल्म या फिर हिस्ट्री का चैप्टर समझ के देखने वाले लोग भले ही अपना माथा फोड़ लें, लेकिन भुज वो फिल्म है जो हर साल 15 अगस्त पर टीवी पर धमाके के साथ चलेगी। हमारी तरफ से अजय देवगन स्टारर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को 2.5 स्टार्स।